कर्नाटक में विवादों का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिजाब विवाद देश भर में काफ़ी सुर्खियों में रहा और अब एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल ये नया विवाद बाइबल को लेकर शुरू हुआ है। ऐसे में राज्य में एक बार फिर धार्मिक मामले को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के एक निजी स्कूल ने एक नया फरमान जारी किया है। स्कूल ने छात्रों के अभिभावकों को कहा है कि वे अपने बच्चों को बाइबल के साथ स्कूल भेजें। उधर हिंदू संगठन इस फैसले का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि यह कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन है। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में क्लारेंस हाई स्कूल नाम से एक निजी स्कूल है। स्कूल के एडमिशन फॉर्म पर 11वें पॉइंट में लिखा है कि पेरेंट्स इसकी पुष्टि करते हैं कि उनका बच्चा अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मॉर्निंग असेंबली क्लास सहित अन्य कक्षाओं में भी भाग लेगा। बच्चा स्कूल में पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल की शिक्षा पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। दूसरी तरफ जब इस मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों का कहना है कि स्कूल में गैर ईसाई धर्म के बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसे में उन बच्चों को जबरन बाइबल पढ़ाना सरासर गलत है। स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवद गीता। ज्ञात हो कि इससे पहले कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने की घोषणा की थी। सीएम बोम्मई ने कहा था कि सरकार भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है। तो वहीं कुछ संगठन ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाई जा सकती है तो बाइबल क्यों नहीं। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।